हेलो, आप सलीम साहब हैं? जी बिल्कुल। हम SIV टीम की तरफ से आए हैं। हमें खबर मिली है कि आपका बच्चा किडनैप हुआ है। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गलत फहमी हुई है तो कल अपने बच्चे को आप ढूंढते क्यों फिर रहे थे? सलीम साहब, अब कुछ छुपाने का फायदा नहीं है। आपके पड़ोसी ने हमें कॉल करके सब कुछ बता दिया। देखें, मेरा बच्चा बताए बगैर घर से जरूर बाहर गया था, लेकिन फिर वो वापस आ गया। तो फिर आप यकीनन उससे हमें मिलवा सकते हैं? इस वक्त तो वो स्कूल गया हुआ है। आप हमें उसका स्कूल का टेलीफोन नंबर दे सकते हैं? देखिए मिस्टर सलीम, आप घबराइए नहीं, हम यहाँ आपकी मदद के लिए आए हैं। अगर पुलिस को बताया तो अच्छा नहीं होगा, ये हर किडनैपर का दूसरा जुमला होता है। और ये सिर्फ मुजरिम इसलिए बोलता है ताकि वो सेफ रह सके, मगर प्लीज आप लोग ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा। देखें, ऐसे केसेस में वक्त बहुत कीमती होता है, और अगर आप लोग हमारा साथ दें तो आपके बेटे को जल्द से जल्द हम बाजियाब करा सकते हैं। परसों मेरे बेटे की 5th बर्थडे थी, वो मुसलसल जिद कर रहा था कि मेरे गिफ्ट्स को खोल दीजिए मेरे गिफ्ट्स। मम्मा, मेरे सारे गिफ्ट अभी खोल ले। नहीं रेहान, अभी रात के 2 बज रहे हैं बेटा, कल खोलेंगे हम लोग। हाँ नहीं, मैंने बोला है ना अभी खोल ले। अरे भाई मारिया, क्या हो गया है, खोलने दो ना रेहान को गिफ्ट। आप बिना बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हैं, रात के 2 बज रहे हैं, मैं थक गई हूँ। नहीं अभी नहीं। अच्छा भाई, जैसे आपकी मर्जी। चलो माय बेबी, अभी हम लोग चल के सोते हैं, ठीक है? सुबह हम लोग खोलेंगे, आ जाओ। कम ऑन मम्मा के साथ चलो, लेट्स गो। मैं जब सुबह उठी तो रेहान मेरे पास नहीं था, फिर मैं सीधा गिफ्ट वाले कमरे में चली गई, वहां भी रेहान मुझे नहीं मिला। रेहान, रेहान बेटा, नॉटी बॉय, मना भी किया था, गिफ्ट्स खोल दिए। रेहान वॉशरूम में हो? कहां पर हो रेहान? रेहान, 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 रेहान। अरे भाई मारिया, क्या हो गया यार, क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचा रखा? सलीम, रेहान कमरे में नहीं है। यहीं कहीं होगा भाई। क्या हुआ भाभी, तुमने रेहान को देखा है? नहीं, मैंने तो सुबह से नहीं देखा, आपके रूम में ही तो था। नहीं है ना रूम में, तभी तो पूछ रही हूँ ना। अच्छा भाई, काम डाउन यार, काम डाउन, यहीं कहीं होगा नीचे बिल्डिंग में, मैं देख कर आता हूँ। आओ बेटा ना। पता नहीं कहाँ चला गया है मेरा बच्चा। भाभी आप परेशान मत हो, भाई देखने गए हैं ना, मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा, आप बैठे यहाँ। वो तो मुझे बिना बताए जाता भी नहीं है कहीं। यहीं कहीं खेल रहा होगा, आप हौसला रखें। हेलो, तुम्हारा बेटा मेरे पास है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने उसे अगवा कर लिया है। कौन बोल रहा है? क्या हुआ है, कौन है? देखिए ना, ये पता नहीं कौन क्या बोल रहा है। हेलो, तुम्हारा बेटा मेरे पास है। अगर अपना बेटा चाहिए तो मेरे पास CVO आ जाओ। कौन है? हेलो भाई साहब, हेलो, हेलो। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? रेहान किडनैप हो गया। क्या क्या? हम CVO गए तो वहां पे कोई नहीं था, फिर हम वापस आ गए। उसके बाद किडनैपर की हमें फिर कॉल आई और उसने हमें सदर आने को कहा। वहां 3 घंटे तक हम लोगों ने इंतजार किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर हम लोग घर वापस आ गए और आज दूसरा दिन है। जारा, मुझे ऐसे लगता है कि रेहान को कमरे से ही किडनैप किया गया है। मुझे सारे फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स कमरे से चाहिए,
और अली, मुझे उन दोनों फ़ोन कॉल्स के लोकेशंस चाहिए और हर फैमिली मेंबर से अलग अलग स्टेटमेंट्स हमें चाहिए। ऑलराइट। रेहान उस रात मेरे साथ ही सोया था, मुझे पता ही नहीं चला कैसे सोते हुए कोई उसे उठा के ले गया। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? आपने किसी भी किस्म की कोई भी आहट या आवाज नहीं सुनी? नहीं। सालगिरह खत्म हुई तो मैं घर की सफाई में लग गई और फिर सोने चली गई, लेकिन मैं जब सुबह नाश्ता बनाने के लिए उठी तो मुझे रेहान नजर नहीं आया। मैं ये समझी कि वो भाभी के कमरे में है। आपको रात में किसी किस्म की कोई आवाज, आई मीन किसी किस्म की कोई आहट सुनाई नहीं दी? बिल्कुल नहीं। बड़ी अजीब सी बात है, पता नहीं रेहान गया कहाँ। हाँ वाकई बहुत अजीब बात है। इशाल बेटी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई चीज है। ये लॉलीपॉप, लॉलीपॉप खाओगी? अंकल आपके दोस्त है ना, तो खा लो। तो मैं भी लॉलीपॉप बहुत खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ये बताओ कि रेहान किधर है? रेहान सालगिरह में मेरे साथ था, फिर मैं सोने चली गई। अच्छा, तो जब सुबह हो गई और धूप बाहर निकली तो रेहान किधर था? रेहान सुबह घर में था ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। सर ये हामिद है, इस बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा इंचार्ज। हामिद साहब, आपने किसी ऐसे मशकूक आदमी को देखा है जो यहाँ ना आता जाता हो? इसकी जरूरत नहीं है, बिल्डिंग में हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं। तो फिर ये कैमरा रिकॉर्ड भी करते होंगे? जी बिल्कुल, मैं कल की सारी रिकॉर्डिंग चेक कर चुका हूँ, कोई भी अनजान शख्स ना अंदर आया ना बाहर गया। तो फिर आप ऐसा करें कि हमें इस रिकॉर्डिंग की सीडी दे दें। ओके सर। ये कैमरा जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये किस एरिया को सर्विस करता है? ये बिल्डिंग के फ्रंट पे लगा हुआ है। मगर ये कैमरा बंद क्यों है? सर ये कैमरा खराब है। कब से? सर कोई 6 माह हो गए। पिछले 6 माह से ये कैमरा बंद है और आपकी इंतजामिया ने इसे ठीक नहीं करवाया, क्यों? सर कॉल ट्रेस हो गई है, करीमाबाद की किसी पीसीओ से कॉल की गई है। देखिए अब तक की इन्वेस्टिगेशन से जो बात सामने आई है उससे पता चलता है कि जो बंदा भी सब में इन्वॉल्व है उसे इस घर की, चौकीदार की और सीसीटीवी कैमरे के खराब होने की सारी मालूमात। इसलिए हम चाहेंगे कि आप हमें बिला इम्तियाज बताएं कि आपके घर वालों ने कभी माजी में रेहान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इस घर में लोग ही कितने हैं? मैं और मेरी बीवी, मेरी बहन और उसकी बेटी इशाल। आप शायद कुछ बताना चाह रही हैं मिस मारिया। आप सब पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ आपको। 2 साल पहले इशाल ने क्या बकवास कर रही हूँ मारिया? मिस्टर सलीम, इन्हें कहने दें जो ये कहना चाह रही हैं। लेकिन सर ये नॉनसेंस है। इस बात का अंदाजा आप नहीं लगा सकते कि कौन सी इंफॉर्मेशन नॉनसेंस है और कौन सी सेंस वाली। आप हमारी बात का यकीन कर सकते हैं? असल में इशाल बहुत पॉजिटिव है, उसे अपनी चीजें किसी से शेयर करना अच्छा नहीं लगता, बल्कि ये समझे कि उसे रेहान ही नहीं पसंद था। 2 साल पहले हम सब बिल्डिंग वाले पिकनिक पे गए, अफरा तफरी में हम घर आ गए। सब ने यही सोचा कि रेहान किसी फैमिली मेंबर के साथ आ गया होगा, लेकिन फिर रेहान को कोई भी नहीं लाया था साथ। बाद में फिर हम वापस गए रेहान को लेने के लिए तो पता चला कि इशाल ने जानबूझ करके उसको वहां छोड़ा था। देखें, बच्चे को एक जगह छोड़ना और प्रोफेशनल किडनैपिंग करना, इन दोनों में बहुत फर्क है।
और इशाल तो अब 11 साल की हो गई। हम हरगिज ये नहीं सोच रहे कि इशाल इसमें इन्वॉल्व है, हमें तो सिर्फ फैक्ट्स चाहिए। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि बर्थडे पर मिलने वाली अटेंशन से रेहान से जेलस होकर इशाल ने उसको एक बार फिर बिल्डिंग से कहीं दूर छोड़ दिया और वो वहां किसी किडनैपर के हाथ लग गया हो। इशाल बेटा सच सच बताओ, तुम भाई को दोबारा कहीं छोड़कर तो नहीं आए? मम्मा मैंने कहीं नहीं छोड़ा, जब मैं छोटी थी मैंने एक बार ही छोड़ा था। देखो बेटा, तुम्हारे मामू और मामी बहुत परेशान हैं। मुझे बताओ क्या बात है? मम्मा मैं सच कह रही हूँ, मैंने रेहान को कहीं नहीं छोड़ा। I'm sorry, आप लोगों को इस तरह की सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में हमें बारीक से बारीक चीजों की छानबीन करनी पड़ती है। हेलो हेलो, कौन है आप? क्यों किडनैप किया आपने रेहान को? मुझे तो हेलो, देखो तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मेरे सारे पैसे दे दो, लेकिन मेरे रेहान को वापस कर दो। पुलिस को घर बुलाकर तुमने अच्छा नहीं किया, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। मैंने पुलिस को नहीं बताया, मोहल्ले वालों ने बताया पुलिस को। कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। हेलो हेलो, क्या हुआ सलीम, क्या बोला किडनैपर ने? उन्हें पता चल गया है कि हमने पुलिस को बता दिया है। This is not possible. या अल्लाह, अब मेरे बच्चे का क्या होगा? हेलो, तुम्हारा पार्सल बिल्डिंग की मोटरसाइकिल पार्किंग में रखा है, जाकर देख लो। या अल्लाह मेरा बच्चा। हेलो, एक घंटे के अंदर अंदर 5 लाख रुपए का इंतजाम करो। मैं करता हूँ, मैं सब कुछ अरेंज करता हूँ, मेरे बेटे को और चोट मत पहुंचाना। हेलो हेलो, जारा इसका फौरन डीएनए टेस्ट करवाओ और पता करो कि ये रेहान का ही खून है या। बराए मेहरबानी अब आप लोग कुछ मत कीजिएगा। भाई मेरे पास यही 4 लाख रुपए थे। 1 लाख मेरे पास है, बस ये सब खत्म हो जाए, मेरा बच्चा घर वापस आ जाए, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटाता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई, रेहान मेरा भी तो भतीजा है। हेलो, पैसों का अरेंज कर लिया है, अब ये बताओ क्या करना है? बिल्डिंग की पार्किंग में जाकर 5 लाख रुपए को आग लगा दो। क्या, सारे पैसों को आग लगा दो? जाओ जल्दी जाओ। हेलो, उसने कहा है कि सारे पैसों को जमीन पर फैलाकर आग लगा दो।
कोई पुरानी आग है जो बुझी नहीं, या कोई पुराना जख्म है जो अभी तक भरा नहीं। मुझे लगता है कि ये एक पर्सनल मैटर है। सर जो भी है, मुझे इस बार थोड़ा डर लग रहा है। सच पूछें तो सर, डीएनए का रिजल्ट देखने के बाद मैं भी बहुत डर गई हूँ। पता नहीं बच्चे को कहाँ कहाँ जख्म पहुँचाए होंगे। इंसान कभी कभी कितना हैवान बन जाता है। यहाँ पे हमारा ये हाल हो रहा है, पता नहीं उसके माँ बाप का वहाँ क्या हाल हो रहा होगा। Yes, Mr. Ali. मालिक का कहना है कि वो चेहरे तो सबके नहीं पहचान सकता, लेकिन अगर हम तस्वीर दिखाएंगे तो वो पहचान लेगा। किडनैपर ने बिल्डिंग के सामने पैसे जलवाए, शायद इसलिए कि वो जलते पैसों को देखता रहे, या फिर मारिया और सलीम को तड़पते हुए। जो भी है, बिल्डिंग से जरूर लिंक है इसका। अली, हमें सबसे पहले कॉल किसने की थी बच्चे के अगवा होने की? सर, मिस्टर कमाल ने। मिस्टर कमाल, बड़ी अजीब बात है। जिसने सबसे पहले आप लोगों को कॉल करके बुलाया, आप लोगों ने उसी पे केस डाल दिया। यानी अब इंसान नेकी भी ना करे। वो क्या है ना कि हमने अक्सर देखा है कि इन्वेस्टिगेशन रूम में जो सबसे ज्यादा स्मार्ट बन रहा होता है ना, वो ही मुजरिम निकलता है। ये क्या बात हुई? आपकी और सलीम की दोस्ती कब से है? जब से उस बिल्डिंग में आए, तकरीबन 6-7 साल से। तो इसका मतलब आपका आना जाना सबके यहाँ लगा रहता है। अगर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे ये पता चला है कि आप तो सलीम के यहाँ ज्यादा आते जाते हैं, वो क्यों? हाँ, बस अच्छी दुआ सलाम है मेरी सलीम से। आप लोग पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? हम पूछना ये चाह रहे हैं कि उस बिल्डिंग में 40 फ्लैट्स और हैं, लेकिन आपने ही सलीम के बेटे के अगवा होने की कॉल की हमें, इसकी कोई खास वजह? वो जी, सलीम की बहन है सफिया, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस इसलिए। हाँ हाँ, अभी तो आप जवान है ना? नहीं जी, वो ऐसी बात नहीं है। सफिया मुझे बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को फोन करूंगा तो सफिया की नजर में मैं अच्छा बन जाऊंगा। पर मिस्टर कमाल, किडनैपर ने आपके घर के सामने 5 लाख रुपए जलवाए हैं, जिसकी वजह से किडनैपर की तवज्जो आपकी तरफ आई। सफिया की तवज्जो आपकी तरफ आई हो ना आई हो, इसी बात पे हमारा शक आपकी तरफ गया। सर, कॉल ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो गया था। हो सकता है कि मारिया ने अपने वालदैन को किडनैपिंग के बारे में बता दिया हो, क्योंकि सलीम और मारिया के फोन पर तमाम फैमिली मेंबर्स की कॉल्स आ रही हैं। कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने अभी तक कॉल नहीं किया हो? जी सर, सफिया का एक्स हस्बैंड, उसने अभी तक कोई कॉल नहीं की, हालांकि वो सलीम का बहुत अच्छा दोस्त है। ये भी हो सकता है कि वो अपनी नई जिंदगी में पुरानी जिंदगी के कॉम्प्लिकेशंस ना चाह रहा हो। वो इस वक्त है कहाँ? सर, वो शहर से बाहर रहता है। तो मौसूफ को कल यहाँ पे ऑफिस में बुला लें। ओके। मैंने कॉल इसलिए नहीं की थी, ये सब कुछ मेरी पुरानी जिंदगी का हिस्सा था। मैं नहीं चाहता था कि इसका असर मेरी नई जिंदगी पर पड़े। लेकिन हमें पता चला है कि आप सफिया को तलाक देना ही नहीं चाहते थे। जी, सफिया को तलाक देना मेरी मजबूरी थी। एक्चुअली सफिया की दिमागी हालत बिगड़ती जा रही थी। लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सफिया की दिमागी हालत तो बिल्कुल सही है। हो सकता है कि अब वो ठीक हो गई हो, मुझे उससे मिले हुए काफी अर्सा हो गया। क्या हुआ था सफिया को? सफिया को बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन उससे पहले इशाल पैदा हो गई, फिर 5 साल बाद अली पैदा हुआ। सफिया बहुत खुश रहने लगी और उससे बहुत अटैच हो गई, लेकिन उसके बाद अली की तबीयत खराब होने लगी। उसे लुकुइमिया हो गया था और उसके जिस्म में खून नहीं बन रहा था। 5 साल का था अली जब चल बसा। बस उसके बाद सफिया अली का सोच सोच कर मेंटल होने लगी। 5वीं सालगिरह आपने कहाँ मनाई थी? हॉस्पिटल में। अजीब बात नहीं है, रेहान भी अपनी 5वीं सालगिरह पे ही किडनैप हुआ है। आप मुझे सफिया की जिंदगी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? जी बिल्कुल। गुड, उठ जा बेटा, उठ जा बेटा। मम्मा। रोते नहीं है बेटा,
तेरा तो ऊपर जाने का वक्त आ गया है, बस थोड़ी सी तकलीफ होगी, उसके बाद सुकून हो जाएगा। हट जा वहां से। छुरी नीचे फेंको, मेरे घर छुरी नीचे फेंको। मुझे तुम्हारे ऊपर उस वक्त शक आ गया था जब मैंने तुम्हें खिड़की में देखा था। वेलकम टू जेल। मैंने कहा था ना कि कोई पुरानी आग है जो बुझी नहीं, कोई पुराना जख्म है जो अभी तक भरा नहीं। सफिया, मेरी बहन हो तुम, शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हो। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी, तुम्हें बाप बनकर सहारा दिया मैंने, तुम्हें हर खुशी देने की कोशिश की, तुम्हारे सर पे हाथ रखा, तुम्हारा इलाज करवाया, लेकिन तुम आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा, क्यों किया बोलो। डाइन, डाइन है तू। रेहान तो तुझे अपनी मां की तरह समझता था ना, प्यार करता था वो तुझसे, और तूने ये क्यों किया? तूने अली भी तो भाई से बहुत प्यार करता था, छोटा सा था, मासूम सा। मैं उसे कहती रही कि अगर तेरे पापा के पास पैसे नहीं है तो तेरे मामू के पास तो बहुत पैसे है ना, वो कराएंगे तेरा इलाज। मैंने उसे बहुत यकीन दिलाया कि वो ठीक हो जाएगा। अगर भाई आप पैसे लेकर नहीं आए, क्या हो जाता अगर आप 2-3 साल बाद शादी कर लेते? लेकिन आपने मुझे वो पैसे नहीं दिए। और भाभी, आप तो जानती थी ना सब, लेकिन आप लोगों ने शादी कर ली और पैसे नहीं दिए। मेरा बच्चा तड़प तड़प कर मर गया, और आप लोगों के यहाँ, रेहान पैदा हो गया। कौन जिम्मेदार है मेरे बच्चे की मौत का? कौन देगा मुझे इस बात का जवाब? कौन देगा? बताएं मुझे कौन देगा इस बात का जवाब? कौन देगा? कौन देगा मुझे इस बात का जवाब? कौन देगा? किसी और के बच्चे की जान की कदर इंसान अपने बच्चे की जान की तरह नहीं करता, लेकिन बच्चा बच्चा होता है और बच्चा खोने का गम इंसान को मेंटल बना देता है। सफिया के इस जुर्म को हम हरगिज नजरअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन इसकी इस हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप दोनों भी हैं। और जिस तरह आपने अपने बेटे की बाजियाबी के लिए पैसे जलाते हुए एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा, उसी तरीके से आपको सफिया के बेटे के इलाज के लिए पैसे खर्च करते हुए नहीं सोचना चाहिए था। उस दिन सिर्फ एक मां नहीं मरी, उस मां की ममता भी मर गई। रेहान की किडनैपिंग के पीछे जहां उसकी फुप्पो का चेहरा है, इसी तरह अली की मौत के पीछे भी कहीं ना कहीं आप दोनों का ही चेहरा है। ये चेहरों का खेल है मिस्टर सलीम, चेहरों का। हर चेहरे के पीछे एक निकाब।
ATV, सारे रंग हमारे।